आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए हमेशा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी समस्याओं को शेयर भी कर सकते हैं और उसका निराकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जो भी बन पड़ता है वो कार्य किए जाते हैं ताकि सिर्फ एक विद्यार्थी लाभान्वित ना हो बल्कि उसके माध्यम से लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो, ठीक है ना। ये प्रयास हमारे माध्यम से किया जाता है और कहीं कहीं भाई उसमें सफलता हमको मिलती है और कहीं कहीं असफलता भी मिलती है, है ना। सफलता और असफलता दोनों जाहिर सी बात है कि एक साथ ही होते हैं। अब समय का अपना अपना तकाजा होता है कि क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही बेहतरीन कार्य किए गए हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर किया करिए। LT TGT सब फाइनल हो गया ना, अब बारी है आपके एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम तिथियों की, ठीक है ना। एग्ज़ाम तिथियों में आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। और ये जान लीजिए, तैयारियां अगर नहीं करेंगे ना तो जाहिर सी बात है आप ही पछताएंगे। फिर जुट जाइए क्योंकि चट से नोटिफिकेशन आया, पट से आपका एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ उसके बाद बर्बाद हो जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो इसलिए तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलोअप करने से बिल्कुल भी मत कतराइए, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल देख लीजिए लखनऊ गए सारी की सारी कुंडली पलट गई। बताते तो है ना कि अगर हम किसी कार्य में हाथ डालें तो जाहिर सी बात है उसमें विद्यार्थियों की जो सफलताएं हैं, जो उनकी समस्याओं का निराकरण है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग हमेशा ही सजग रहे हैं। इसी वजह से 10,000 से अधिक विद्यार्थियों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो आशीर्वाद है, वो आज तक हम पे कायम है। क्यों? क्योंकि जो सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखा जाता है ना, वो इसी वजह से है। विद्यालय ओपन हो चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी वीडियो बनानी पड़ेगी भैया, क्योंकि आप जानते ही हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ेगा और जब भी मौका मिलेगा तो हम अपलोडिंग पे इसको लगा देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। चैनल के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ये चैनल को और अधिकाधिक संख्या में। अभी तक आप लोगों को खुद ही नहीं समझ में आता कि इतने सारे कार्य जो लोग इतने दिनों से टाँ 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 कर रहे हैं, वो एक रत्ती का आपको काम नहीं दे पाए, है ना, कुछ नहीं करा पाए। अजब, लखनऊ से सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नॉर्मल कर दी जाती हैं, कार्य हो जाते हैं, शासनादेश जारी हो जाता है, विज्ञप्तियां जारी होने लगती है, सब लोग वीडियो बना बना करके बताना शुरू कर देते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, इंतजार समाप्त हो गया, फलनवा हो गया, डमका हो गया। अरे भैया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गया कौन, मेहनत किया किसने, शासनादेश लाया कौन, प्रयास किसने किया, कोशिश किसने की, अपना धन, अपना समय, अपना एफर्ट और यहाँ तक कि जो है परिवार में जो समय देना चाहिए वो आप लोगों को दिया गया, ये सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ दी किसने, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग ऐसे ही जो है सुस्त और तंदुरुस्त बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, सीधी सी बात है, एक चेन होती है ये, है ना। आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करते हैं। अगर आप ऐसे ही न्यूट्रल बनकर के बैठे रहोगे तो फिर कुछ किसी को उखाड़े कुछ उखड़ने वाला है नहीं। अगर सार्थक भैया हाथ नहीं लगाएंगे ना तो कुछ नहीं होना है, सीधी सी बात बताई दे रहा हूँ, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, है ना। इतने दिन से तो LT की वेटिंग लिस्ट फाइनल कराने के लिए और TGT की वेटिंग लिस्ट फाइनल कराने के लिए लोग लगे हुए थे, क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ उखड़ा, कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन उसके बाद जब लखनऊ हम गए तो सारी चीज़ें देखिए पॉजिटिव होती चली गई। तो हमेशा ही मैं कहता रहा हूँ कि जब भी मैं कोई कार्य करूँगा उसमें हमारे प्रतियोगी भाई बहनों का अगर भला होना है तो वो भला होगा।
जितने भी हमारे याचिकगण भाई बंधु हैं उन सभी लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी हेयरिंग लगा करके सारी चीज़ें वो कन्फर्म कर ली जाएंगी, ठीक है ना। आप लोग जो है मतलब दोनों हाथ से अपना पेट मत पीटने लगना कि अब हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, याची लिस्ट बनाइए, ये करिए वो करिए, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, जब इंसान को ज़्यादा भूख लगती तो दोनों हाथों से नहीं खाता, एक ही हाथ से खाता है, ठीक है ना। ज़्यादा आँच देंगे तो दाना जल जाएगा, इसीलिए सब्र रखिए, पेशेंस, ठीक है। जैसे ये सारे कार्य संपादित करा दिए, निष्पादित करा दिए, उसी तरीके से आप सभी लोगों की भी नियुक्तियाँ होंगी, ये इस बात की गारंटी है। हाई कोर्ट से हम लोग जीत के आएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है आपके यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी इस समय अब नए एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन और आरओ के विज्ञापन पर कार्य कर रहा है, और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 2 से 3 दिन के भीतर, आप सभी लोगों का कान खड़े हो जाते जब मैं 2 से 3 दिन के भीतर का नाम लेता हूं तो, है ना, 2 से 3 दिन के भीतर आपके विज्ञापन एनआईसी को प्रेषित कर दिए जाएंगे जारी करने के लिए, ठीक है ना। पूरा पदों का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और आप लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी होने वाला है, ठीक है ना। अब किसी प्रकार का कोई भी जद्दोजहद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जीआईसी प्रवक्ता के लिए कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा भैया इसकी प्रतीक्षा सूची कब आएगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता सबसे बड़ा हलवा है। इसलिए हलवा है क्योंकि मतलब उसमें जितने पद प्राप्त हुए हैं उन पदों को लेकर के जो है अभी तक जद्दोजहद चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है 5 विषयों का आपका प्रतीक्षा सूची उसकी भी आएगी, ठीक है ना। और कुछ भाइयों ने हमसे पूछा सर जी क्या एलटी संस्कृत की प्रतीक्षा सूची आएगी क्या, तो इसका कन्फर्मेशन आज ले लेंगे, पूछते हैं, देखते हैं, कन्फर्म करते हैं, क्योंकि भाई आज विद्यालय भी है तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है समय मिले, हो सकता है समय ना मिले, लेकिन आज पहला दिन है तो समय मिल ही जाएगा, देखते हैं। जो चीज़ें होंगी आप लोगों को बताई जाएंगी। रही बात आपके एलटी के जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गई एलटी 2018 को लेकर के, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ खबरियां आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये प्रयास है आपके इस भाई का, ठीक है ना, ये प्रयास है इस भाई का। और जो चीज़ें मैं बताता हूँ डंकी की चोट पर बताता हूँ, हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और महत्वपूर्ण सूचना दी है, इतने पे भी आप लोगों के कानों पे जू नहीं रेंगती। अरे जुआ नहीं रेंगती तो कम से कम चीटी रेंगवा लो, क्या दिक्कत है। जुआ अगर पालोगे सर में तो जाहिर सी बात है खुजलाहट होगी, इसे से खुजलाते रहोगे फिर बंदर की तरह। इससे बेहतर है चूटिया जो है मतलब वो करवा लो, वह रेंग जाए तो वह सही है। सचेत हो जाइए अपने भविष्य के लिए, आपके हितों के लिए लड़ने वाले चैनल के लिए, लोगों के लिए आपको सपोर्टिंग नेचर अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जैसे कि हमारे फोन में इतने लोगों का नंबर है, इतने लोगों के नंबर हैं, और जो भैया अगर हम ये सोच लें अरे कौन जाए प्रयागराज, कौन जाए ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे, अरे भैया क्यों ना करे। अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो हमारी सुनेंगे क्या, ये बताइए। अगर हम उनके कार्यों में नहीं जाएंगे तो हमारे कार्यों में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो ये एक सामाजिक चेन होता है। अगर आप किसी से दोस्ती किए हो तो जाहिर सी बात है आप उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, तभी वो आपका ख्याल रख पाएगा, है ना। तो यही चीज़ें होती है। अब ये सोच लिया जाए कैसे क्या करें, क्यों करें, कैसे किस लिए करें, तो फिर हो गया कल्याण, ठीक है ना। हम 4 दीवारी में बैठ करके वीडियो बनाने वाले इंसानों में नहीं हैं, हम आपके लिए कार्य करते हैं। ना हमको चुनाव लड़ना है और ना मैं कहीं का छात्र नेता हूँ, मैं एक सिंपल साधारण व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों के बीच में आप माता पिता के आशीर्वाद से आज एक अध्यापक भी हूँ, ठीक है। मैं नहीं जा पाया अपने गाँव, सोच लीजिए 5 महीने हो गया मुझे, 5 महीने, ठीक है ना, मैं अपने गाँव नहीं जा पाया, सिर्फ इस वजह से कि आप सभी लोग जुड़े हुए हो। इतने सारे कार्य होते हैं कि उनको कराते कराते ही समय निकल जाता है, क्या करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ खबरी आ चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का अब कल्याण होना तय है, ठीक है ना। और जो हमारे याचिकगण भाई बंधु हैं उनका भी कल्याण होना तय है,
ठीक है ना, निश्चिंत हो जाएं, इसके लिए सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने इस बात को स्पष्ट किया था, जितने मैटर आपके कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है ना, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड को लेकर के हो या अन्य भर्ती संस्थानों के खिलाफ हो, मतलब इनके विपक्ष में हो, जितने भी मैटर हैं, चाहे आपके प्राथमिक पे हो, चाहे वो आपके एडेड के हो, चाहे वो आपके माध्यमिक के हो, चाहे वो राजकीय के हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर के हो, चाहे वो पीजीटी के हो, सारे मैटर को 31 जुलाई के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। इसका पूरा रिपोर्ट वो हाईकोर्ट से जो है वो ले लिया गया है, ठीक है ना, अपने मतलब महाधिवक्ता के अपर महाधिवक्ता के माध्यम से सारी चीज़ें, सारी चीज़ों की फील्डिंग लगाई जा रही है आप लोगों के लिए। जब इतने बड़े बड़े कार्य निपटवा दिया कि जो कि चार चार पाँच पाँच साल से आप सभी लोगों का इंतज़ार, आप लोग करते करते आप लोगों की जो है आँखें पत्थर आई, तो अब क्या है, अब तो हड़बड़ाइए नहीं, सारा काम प्यार से होने दीजिए, ठीक है ना, सब कुछ बेहतरीन होगा, सब कुछ अच्छा होगा, इस बात की जो है आप सभी लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, जीआरसी प्रवक्ता में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के लगभग सहमति बन चुकी है, और कुछ नॉन बीएड वाले हमारे भाई बहन हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नॉन बीएड वाले, है ना, जाहिर सी बात है उनकी परेशानी का सबब मैं समझ सकता हूँ, है ना, जायज है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नॉन बीएड वाले हमारे भाई बहन हमारे दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं उनके लिए सर्वाधिक प्रयास करता हूँ, जितना मैं बीएड वालों के लिए नहीं कर पाता उतना मैं नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए करता हूँ, और हम लोगों का यही प्रयास है कि नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को कम से कम एक अवसर और मिल जाए, ठीक है ना, और इसमें लगभग सफलता भी हमें प्राप्त हो चुकी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया, मंत्री महोदया ने भी इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि आप सभी लोगों को एक अवसर और मिल सकता है, ठीक है ना। अब ये जो भर्ती आपकी आ रही है, मतलब 100% क्लियर हो चुका है कि जुलाई में आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लोजर रिपोर्ट कल की डेट में शासन को प्रेषित कर दिया गया, किस चीज़ का, एलटी ग्रेड 2018 का, ठीक है ना, काउंसलिंग शेड्यूल आपके टीजीटी पीजीटी का क्लियर हो गया, सारी चीज़ें, अब लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है ना, तो शॉर्ट लिस्ट करने का विद्यार्थियों का जो मतलब शॉर्ट लिस्ट करने का जो शेड्यूल है वो अब कार्य कल परसों से आज कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे कोर्ट की जो हियरिंग है वो भी कोर्ट ओपन होने के बाद, क्योंकि अभी तो ओपन हुआ नहीं है, है ना, मंडे से ओपन होगा, तो दो चार दिन में उसकी हियरिंग लगा करके आप सभी लोगों के लिए फटाफट इसको कंप्लीट कराया जाएगा, और सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं वो तीव्र गति से आगे बढ़वाई जाएंगी। हम लोग हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे विद्यार्थियों का भला हो सके, हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं, काफ़ी सारी सफलताएं भी मिलती हैं और कहीं कहीं असफलताएँ भी मिलती हैं, है ना। असफलताओं के लिए आप हमें जिम्मेदार ठहरा देते हो, लेकिन सफलताओं के लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहराते हो, है ना। बहुत से विद्यार्थी ऐसे मैंने देखे हैं जो कि अगर सब कुछ बेहतर गया तो भैया आपकी वजह से, अगर थोड़ा सा भी चीज़ें गड़बड़ हुई तो आपने कुछ किया ही नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एज रिलैक्सेशन, एज के लिए विद्यार्थियों के मन में एक सवाल सा उत्पन्न हो गया कि क्या हमें आयु सीमा में छूट मिलेगी, 100% मिलेगी, नो डाउट आप लोगों को 100% आयु सीमा में छूट प्रदान होगी, ठीक है ना। और जो सूचना प्राप्त हो रही है आपके लोक सेवा आयोग से, उसमें इस बात को क्लियर किया गया है कि आप लोगों को आयु सीमा में छूट 2 से 3 वर्षों का प्राप्त हो सकता है। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की आगामी जुलाई में आने वाली भर्ती आ चुकी, आज 1 जुलाई है, 30 दिन के अंदर आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब इसी जुलाई में, और उसमें आप लोगों को 2 से 3 वर्षों का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से इनपुट प्राप्त हो रहा है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के सहमतियां बन चुकी हैं, ठीक है ना। अब इसको विज्ञापन में परिणित करने की आवश्यकता है, सारी चीज़ों पर नज़र बनाई जा रही है, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम लोग कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों का कुछ भी नुकसान होने नहीं पाएगा, ठीक है ना,
निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप लोगों के यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एस सी एक ऐसा महान भर्ती संस्थान जो कि विद्यार्थियों की बातों को सुनता कम है और अपने मन की ज़्यादा करता है ना। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, वीडियो री एग्ज़ाम जो हुआ था आप सभी लोगों का, उसके ओएमआर की चेकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मतलब ये स्पष्ट है कि आप लोगों का 15 सितंबर के अंदर अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा वीडियो री एग्ज़ाम का। अब विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे मुख्य सेविका को लेकर के क्या, तो मुख्य सेविका के विषय में भी 15 जुलाई के पहले पहले निर्णय कर लिया जाएगा, ये स्पष्ट हो गया है। दूसरा, ये जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, जैसे आपका जेई का हो गया, वन दरोगा, रक्षक हो गया, जो जो भी आपके एग्ज़ाम पेंडिंग में है ना, मतलब रिजल्ट्स उनके पेंडिंग में, उन सभी को डिक्लेयर करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मतलब रिजल्ट बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों का परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है। एक कृषि प्रावधिक सहायक का डेटा प्रेषित करना था यूपीपीएससी को, यूपी ट्रिपल एस सी ने, है ना, मतलब यूपीपीएससी को प्रेषित करना था यूपी ट्रिपल एस सी को, तो वो डेटा आपका 2-3 दिन पहले ही जा चुका है। और आप लोगों का कृषि सहायक की एक बड़ी वैकेंसी लगभग 6800 पदों पर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। और एक दो विज्ञापन अभी आपके पीईटी 2022 के आधार पर आएंगे। वीपीओ जो ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर के बात बहस की गई थी कि आरक्षण कम मिला है, जाहिर सी बात है जितने पदों का अध्याचन आता है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत विभाग ने, ठीक है ना, जो ग्राम पंचायत मंत्रालय है, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जितने पदों के अध्याचन हमें प्राप्त हुए उसी के अकॉर्डिंग जो है अध्याचन भेजे गए थे। अब लेकिन इसमें पदों की संख्या बढ़ चुकी है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग काम किया गया है। और यह परीक्षा आप सभी लोगों की अक्टूबर में हो सकती है, जिसकी तैयारियां गवर्नमेंट ने और यूपी ट्रिपल एस सी ने, गवर्नमेंट ने निर्देश जारी कर दिया और यूपी ट्रिपल एस सी ने इसको स्टार्टिंग भी कर दी। पहले आप लोगों का यूपी पीईटी 2023 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोगों की ग्राम पंचायत अधिकारी जो आपका वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम पहले होगा, पीईटी बाद में होगा, ठीक है ना। पहले आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का क्लियर कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का पीईटी होगा। विद्यार्थी पूछते हैं भैया यूपी टीईटी कब तक आएगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यूपी टीईटी 25 जुलाई के बाद, 25 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के मध्य में आप लोगों का यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना, निश्चिंत हो जाइए इसके लिए। बस अचानक से अधिसूचना जारी होगी, आयोग आपका बहाल हो जाएगा और अधिकारियों की ताबड़तोड़ नियुक्तियाँ हो जाएंगी, क्योंकि 10 सदस्य तो पहले ही से हैं। चार टुनू जो नए नवेले आए हैं उनका नाम जो है पूरी तरीके से क्या है, कन्फर्म है, ठीक है ना। अध्यक्ष किसको बनाया जाना है ये भी कन्फर्म है, ठीक है, अध्यक्ष किसको बनाया जाना है ये भी कन्फर्म है। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, दुनिया भर के जितने भी कार्यकारी अधिकारी वगैरह होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपको कार्यकारी अधिकारी भी देखने के लिए मिलेंगे। मतलब अगर अध्यक्ष नहीं भी रहेंगे, मान लीजिए कहीं अगर वो दौरे पे हैं या मान लीजिए ऑफिस नहीं आए हैं, तो भी आपके कार्य नहीं रुकेंगे, है ना। कार्यकारी अधिकारी आप मीटिंग ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तगड़ा आयोग बनाया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई को लेकर के। विद्यार्थियों के मन में एक आशंका है कि क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा आप लोगों को, निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना। चिंता विमुक्त होकर के तैयारियां करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर पता लगे चिंतित होकर के आप लोग घुस गए उसी में कि अरे बप्पा अरे बप्पा होगा कि नहीं होगा, तो हो गया फिर गुड़ गोबर हो गया सब कुछ, है ना। तो प्रेशर कुकर, मतलब प्रेशर कुकर मत बनिए, ठीक है ना, प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। जो भी कुछ चीज़ें हैं, कूल माइंड, अगर आप ये सोचेंगे ये अंतिम अवसर है, अरे बप्पा अरे, तब तो आप डाउन हो गए तुरंत, है ना। अंतिम अवसर नहीं है, अवसर जिंदगी बार बार आपको दे रही है। पता नहीं कितनी सारी वैकेंसीज आप लोगों के सामने आई हैं और डिक्लेयर हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती है ना, जिसकी वजह से आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। सफलता सुनिश्चित करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। जो भी समस्या आपकी है, चाहे वो शासन स्तर पर शेयर करनी हो या अधिकारी लेवल पर, हम लोगों का प्रयास यही होता है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें और आपको बेहतरीन रिजल्ट डिलीवर कर सकें, ठीक है ना।
निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि भैया आप सभी लोगों के लिए जितने भी सफलताओं के झंडे गाड़ने होते हैं ना, कोई काम नहीं देता, सिर्फ साथ का ही भैया काम देते हैं फिर, ठीक है। और LTGIC और RORO का विज्ञापन आ रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी आपका अगस्त में आएगा, ये क्लियर हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आप लोगों के TGT PGT का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी बहुत जल्दी ही जारी होने चल रहा है, ठीक ना। अचानक से डेट आएगी, अचानक से मतलब क्लियर हो जाएगा कि अगस्त में सितंबर में कब कब आपका पेपर होना है। फिर आप वही होगा कि अपना सर पीटोगे, ले लेकर के किताबें भागोगे, नोट साथ की बुकिंग में इतना रसस कर दोगे कि जो है मतलब हम परेशान, कर्मचारी हमारे परेशान। अभी तो आप लोगों को नोट्स प्राप्त होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, जब ज़्यादा रसस हो जाते हैं तो 4 से 5 दिन लगने लगता है, है ना, क्योंकि 200-300 की संख्या में नोट्स निकलते हैं, कभी कभी तो यह आंकड़ा 3,000 पार कर जाता है। तो समस्या ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों ने तैयारियां करनी है तो बेहतरीन ढंग से कर लीजिए। LTGIC के किसी भी विषय में अब कोई भी विवादों की स्थितियां नहीं है। जो हमारे नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को एक अतिरिक्त अवसर मिलने चल रहा है, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि TGT की नियमावली LT में लागू होगी कि LT की नियमावली TGT में लागू होगी, इस पे आप सभी लोगों को 1 या 2 दिन के भीतर फैसला देखने के लिए मिल सकता है। यह मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में है, क्योंकि मामला उन्हीं के संज्ञान में पहुंच चुका है, ठीक है ना। अब उन्हीं को डिसीजन लेना है कि LT की नियमावली TGT में आएगी कि TGT की नियमावली LT में जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रवक्ता और GIC में आप सभी लोगों को BEd की अनिवार्यता देखने के लिए शायद 100% मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं क्लियर नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक हमें पूर्णतया एकदम प्रमाणिक सूचना नहीं प्राप्त हो जाती तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए और हम तो प्रयास करेंगे कि नॉन बीएड वालों को भी मौका मिले इसमें, है ना, कोशिश हम कर रहे हैं, और जो कुछ भी होगा वो आप सभी लोगों के सामने अवश्य ही हम रखेंगे, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, समय भी हो चुका है, विद्यालय भी निकलना है, 1 महीने बाद विद्यालय 1.5 महीने बाद खुल रहा है, तो जाहिर सी बात है आज थोड़ा सा विद्यालय जल्द पहुंचना पड़ेगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, सुभाषित आप लोगों का कल्याण होता रहे और सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग सफलता अर्जित करें, सुख समृद्धि धन सभी आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।